जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव के लगातार प्रयासों से सक्रिय इनामी माओवादियों का मुख्य धारा में आने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। तीनों पर 8 लाख, 5 लाख और 1 लाख का इनाम घोषित था। सीआरपीएफ के विनय कुमार, जिला के पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल समेत तमाम पुलिस बल की मौजूदगी में ये समर्पण हुआ है। आपको बता दें कि अब तक 107 इनामी माओवादियों सहित 403 लोग लोन वराटू से प्रभावित होकर खुशहाल हो चुके हैं। आज लोन वराटू अभियान में 3 माओवादियों ने सरेंडर किया है, जिसमें की राजू ताती, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सीएनएम का उप प्रभारी था, और 12 लोगों की टीम के साथ चंदू एफजेडसी के नेतृत्व में घूमता था। जितनी बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं, और मिनपा हो या कुशालपाड़ हो या बुड़कापाल हो, बुड़कापाल जिसमें 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, कुशालपाड़ जिसमें 14 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, उसमें घटना के दौरान ऑडियो वीडियो बनाने की जिम्मेदारी ये संभालता था और बाद में एडिट करके उसको मीडिया में पुलिस का मनोबल गिराने के लिए रिलीज किया करता था। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण और लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर आज उसने आत्मसमर्पण किया है। दूसरा जीना आलामी, जो कि हंदावाड़ा का रहने वाला है, पिछले 2 वर्षों में 2 पुलिस मुखबिर की हत्या और एक और शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रिंग रोड में सूचना पर पहुंचे कोतवाली पुलिस के एएसआई पर सिरफिरे व्यक्ति ने हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। हमले में पुलिस के एएसआई के सर पर चोट आ गई है, जिनका प्राथमिक उपचार कराकर मेडिकल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला गुरुवार की देर शाम का है, जहां कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के रिंग रोड में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है। मौके पर कोतवाली की टीम पहुंची, जिसमें थाने के एएसआई संजय नाथ तिवारी भी शामिल थे। जैसे ही सूचना की जगह पर वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो युवक है उसने कमरा बंद कर रखा है और एकदम से उसने बंद कमरे को खोला और वैसे ही कमरे के अंदर एक मानसिक रूप से वंचित व्यक्ति ने डंडे से एएसआई पर हमला कर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी पर भी व्यक्ति ने हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। और स्वतंत्रता दिवस को लेकर जगदलपुर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के निर्देश पर टीम लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार चेकिंग कर आपराधिक असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा रहा है। इसी के चलते शहर के मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाकर बाहर से आने वाले व्यक्तियों से जानकारी ली जा रही है। आगामी स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए जो है बस्तर पुलिस के द्वारा संपूर्ण बस्तर जिले में जो है एहतियातन कदम उठाया गया है, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है आज हमारी जो बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसके द्वारा शहर के कुछ संवेदनशील क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हांकित कर जो है नियमित तौर पर लगातार चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें आज जो है स्थानीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, साथ ही संजय बाजार, इसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल जो लाल बाग है उसकी जो है चेकिंग की गई है। इसके अलावा जो और कोरिया पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति के क्वार्टर में जाकर कार्रवाई की गई और आरोपी को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी उड़ीसा से मादक पदार्थ लाकर बेचता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। शाम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टीना दफाई निवासी सीताराम अवैध गांजे का बिक्री धंधा परिवहन करता है। मुखबिर सूचना पर पता चला कि वह अपने घर में काफ़ी मात्रा में गांजा स्टोर करके रखा हुआ है और ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना तस्दीक पर पुलिस टीम रेड करने गई। रेड पर उसके घर से लगभग 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसको मौके से जब्त कर विधिवत NDPS की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर पृथक से उसको न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाएगा। और राजपुर के ग्राम पंचायत करजी में
आरईएस विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। दरअसल एक दैनिक समाचार पत्र में ग्राम पंचायत करजी में 15 लाख की लागत से निर्माण हो रहे पुलिया का कार्य अधूरा होने पर कार्य पूरा करने का मूल्यांकन किए जाने की शिकायत पर जिले से टीम गठित कर जांच के लिए पहुंची और आरईएस विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने सभी अधिकारियों को अभद्र गाली गलौज करते हुए जूते चप्पलों के साथ मारपीट की। इस मामले में संबंधित अधिकारी राजपुर थाने में उपस्थित होकर ग्राम पंचायत करजी में हुए मारपीट के खिलाफ करजी सरपंच पति संजय कुमार के साथ साथ 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कल हम लोग करंजी ग्राम पंचायत में गए थे जांच के लिए। सीओ जिला पंचायत द्वारा जो है हमको पत्र प्राप्त हुआ था जांच के लिए, जो है पुलिया निर्माण के संबंध में। इसके संबंध में कल हम जो 10:30-11 बजे अपनी पूरी टीम के साथ गए थे वहाँ पे, और जांच की कार्रवाई जो हो भी नहीं पाई। जैसे मौके पहुँचे हमको घेर लिया गया, और घेरने के बाद जो है कि एक तरफा जो है धक्का मुक्की करके जो है मारपीट जो है चालू कर दी गई। उसके बाद हमने समझाने का बहुत प्रयास किया कि भाई हम कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए आप, जो है हम यहाँ पे आप लोगों की समस्या का समाधान करने आए हैं, ना कोई समस्या पैदा करने आए हैं। तो गांव वाले जो है बगैर किसी कुछ ना कोई बात सुनी ना कुछ कहे, एक तरफा जो है सबको अपने कब्जे में लेते हुए जो है वो मतलब मारपीट जो है कई स्टेप को जो चालू कर दिया। हम लोग जो है पे जाकर जाँच कर रही थी, उसी समय बहुत सारे ग्रामीणों द्वारा उनके साथ में घेर करके कुछ लोग उनके साथ मारपीट किए थे, जिसके पुलिस को सूचना मिली। तत्काल पुलिस बल मौके पे गया और उनको सुरक्षित लेकर के थाने आए थे, और उन लोग कल यह कहकर निकल गए थे कि हम लोग आपस में सलाह करके बाद में इसमें FIR कराएंगे। आज उन लोग अभी FIR कराने आए हैं, मैंने तत्काल पंजीकृत किया है और उसको मामले को भेजने में दिया। और बेमेतारा में खीरे के खराब बीज से किसान परेशान हैं। जिले में लगातार नकली बीज नकली खाद से किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बता दें कि बेमेतारा जिले से महज कुछ ही दूर पर ग्राम पेंड्री के किसान कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि केंद्र के खीरे की बीज लाकर किसान ने खेत में लगाया। बीज लगाने के बाद फसल जो थी वो उगी ही नहीं। शिकायत को लेकर पहुंचे किसान से केंद्र के मालिक ने बदसलूकी की और धक्का मारकर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित किसान ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। और बेमेतारा में किसानों ने चक्का जाम कर सड़क को बंद कर दिया। बता रहे कि गांव अंधियाखोर में लावारिस मवेशी और बिजली की समस्या को लेकर नवागढ़ बेमेतारा मुख्य मार्ग पर किसानों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि लगातार सड़कों पर आवारा मवेशियों से हो रही परेशानी और बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया है। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग नया बस स्टैंड के सामने मणिपुर गोल्ड ऑफिस में गुरुवार को दो हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया और ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों को पूरा सोना और कैश बैंक में डालने को कहा गया। वहीं इसी बीच लुटेरों के भागने के दौरान गेट के पास ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बीच दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे से गोल्ड कैश और रिवॉल्वर बरामद की है, साथ ही पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज 1:20 पर पुलिस को सूचना मिलती है कि बंडापुरम जो गोल्ड बैंक है वहाँ पर हथियारबंद लोग घुस गए हैं और डकैती की कोशिश की जा रही है। उसी पर से पुलिस की तमाम टीम, खासतौर से थाना प्रभारी मोहन नगर और थाना प्रभारी दुर्ग, अपनी टीम के साथ घेराबंदी करते हैं। साथ में वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय घटना पर पहुँचते हैं, घटनास्थल पर, और एक आरोपी जो रंगा तो मिलता है उसके पास से पिस्टल और कुछ सामग्रियाँ मिली हुई हैं। देख ऐसा लगता है कि डकैती की योजना इनकी थी। दूसरा व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाते हुए वहाँ से निकल भाग गया। हालांकि उसके लिए सरगर्मी से पुलिस लगी हुई है, तीन टीमें लगी हुई हैं जिसमें साइबर प्रभारी भी लगा हुआ है, हमारे सिविल टीम भी लगी हुई है, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कम जल्दी से जल्द उसको कैच।
और प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में बढ़ते संक्रमण का साइड इफेक्ट अब बिलासपुर जिले के स्कूलों में भी दिखने लगा है। जी हां, यहां स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। संक्रमण के डर से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, जिसकी वजह से गिने चुने बच्चों को ही शिक्षकों को पढ़ाना पड़ रहा है। बता दें कि स्कूल में करीब 20% बच्चे ही स्कूल आ रहे हैं। दरअसल शासन के निर्देश के बाद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों का संचालन दोबारा शुरू किया गया, लेकिन स्कूलों के खुलने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। बच्चों के संक्रमित होने के मामले भी अब सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है। हमने ये निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी निजी और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को दिया है, और हर स्कूल के पीछे हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स की व्यवस्था भी की है। ये बड़े सख्त निर्देश हैं कि यदि किसी बच्चे को भी सर्दी खांसी जुकाम या कोविड से प्रभावित होने के जो लक्षण दिखाई यदि देते हैं तो तत्काल उसका हम लोगों को रिपोर्टिंग हो, ताकि वहाँ पर उस बच्चे के खुद की टेस्टिंग की जाए और उसके संपर्क में आए बाकी बच्चों की टेस्टिंग की जाए। और यदि ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि बहुत ज्यादा कोविड पॉजिटिव मरीज आए तो स्कूल को यदि बंद भी करना पड़ा तो वो बंद भी कर दिया जाएगा। और बेमेतरा में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात युवती की जली हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं लोग युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या कर जलाए जाने की आशंका जता रहे हैं। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और बलरामपुर में रामानुजगंज थाना क्षेत्र में सब्जी बेचकर साइकिल से घर जा रहे युवक को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में पिकअप वाहन थोड़ी दूर जाकर पलट गया, जिसमें पिकअप चालक को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उसके बाद साइकिल सवार युवक की सांसें चल रही थी, वहीं एम्बुलेंस के सही समय पर ना आने से युवक की मौत हो गई। फिलहाल मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।